जो टैक्स है उसमें अपना नाम लिख के सेंड करें। ओके, सो पिछली क्लास में हमने फिजिक्स का बेसिक लेक्चर स्टार्ट किया था। पहले तो ओरिएंटेशन था एंड वी स्टार्टेड विद बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स एंड इट इज अ वेरी वेरी सिंपल सेक्शन। इसमें मैथ्स ही है पूरा, और इन डेप्थ मैथ्स जो है वो आपको लेटर स्टेजेस पे सिखाई जाएगी। तो कल बताइए क्या क्या किया था आपने। खुशी बताओ बेटा कल क्या क्या पढ़ा था। हाँ सर, कल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमने इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन देखा था, वो फॉर्मूला देखा था, उसके बाद लोगारिदम्स के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ओके, लॉगरिदम अपन ने कर लिया था बेटा। सो लॉग मैं वापस बता दूं, जैसे आप 2 की पावर 3 8 लिखते हो, सिमिलरली log8 base 2 is 3, ये रिवर्स होता है। ये जो सेक्शन है दिस इज रिवर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी। सभी बच्चे हैं, देशना कौन है। देशना शाह, बेटा कल आपने किया था क्लास। देशना ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट चाहिए बेटा। इसमें है ना, अगर आपको log x base a ये कुछ बोले कि दिस इज b, इसका मतलब है a की पावर b इज x, a की पावर b इज x, ठीक है। तो ये फंडा है इसका, ध्यान से देखना। अब इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। क्या ये कंडीशन मैंने आपको बताई नहीं थी, बट दिस इज द कंडीशन। क्या कंडीशन है यार, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, यार ए शुड बी ग्रेटर देन 0 बट ए इज नॉट इक्वल, ये कंडीशन लिख ले। ये कंडीशन लिख लो, ये कल बताई नहीं थी, अभी बता देते हैं। ये कंडीशन ए जो है, ए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ये सिंपल सा कंडीशन है। ए जो है, बेस जो है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड नॉट बी 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके, तो ये कंडीशंस है, आपको जब लेटेस्ट स्टेज में आगे पढ़ाई जाए मैथ्स में तो इसी पे इनइक्वालिटीज ये सब बनती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा, कंडीशन सबने लिख ली है। ओके, तो कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग है देता प्यार से इसको, लॉग बोल देते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। लॉग कुछ बेस मान लीजिए ए,
ये स्मॉल m इंटू एन, तो इसको मैं लिख सकता हूं log m प्लस log n। देखो अगर दो नंबर्स है मल्टीप्लाइड है तो उनको अपन क्या लिख सकते हैं, सेपरेट करके log। वीडियो क्लियर नहीं है क्या? वीडियो क्लियर नहीं है क्या? वीडियो बेटा सबको वीडियो सही दिखाई दे रहा है? ओके अचल का आ गया, शुभम वीडियो बेटा दिखाई दे रहा है? वीडियो बेटा दिखाई दे रहा है? अगर जिसका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा ना आप प्लीज रिज्वाइन कर लीजिए। जिसका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा तन्मय बेटा वापस रिज्वाइन कर लीजिए। और आपको नेट पैकेज अच्छा यूज करना है, ठीक है? अब एक साल से आप अगर नेट यूज कर रहे हो, मतलब ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो आपको नेट पैक अच्छा यूज करना है। 2GB वाला एयरटेल का परचेज कर लो, नहीं तो अगर घर पे वाईफाई है तो दैट इज ऑल्सो बेटर, ठीक है बेटा? ओके सो इसका एग्जांपल क्या, सॉरी इसका एग्जांपल मैं आपको एक दूं। तो जैसे मैं लिखूं log बेस 2 और इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है लेट से दिस इज 2 into 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो log 2 प्लस log 4, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, log 2 बेस 2 कितना होता है, log 2 बेस 2 1, इसका कितना आएगा 2, क्या रेस करूंगी 4 आ जाए, 2 आएगा, आंसर कितना आया 3। अरे इससे भी तो सेम ही आता, 2 इंटू 4 कितना होता है 8, तो सेम है। ये प्रॉपर्टी है इसकी, पहली प्रॉपर्टी सबको चमक गई कि अगर लॉग के अंदर कुछ चीज मल्टीप्लाइड है तो उसको बाहर अपन ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सबको आ गई, हो गया तो डन लिख दीजिए। अगर हो गया ये पार्ट तो डन लिखो, मुझे पता चलेगा ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट देखिए log m by n क्या है, log m by n, ठीक है? अगर डिवीजन में हो तो इसको लिखते हैं log m माइनस log n। कई बात सबको चमकी? देखो अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो ऐड कर देना, डिवीजन में हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है? अच्छा अगर मैं आपको ऐसा कुछ दूं log लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 64 डिवाइडेड बाय 8, तो एग्जांपल के तौर पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज log 264 माइनस log 8 2, आंसर क्या आएगा इसका 3, आंसर क्या आएगा, टेक्स्ट करो ना, उसमें क्या है सबका पता चल जाएगा किस किस को आया। अब बाकी लोग क्या है सुन के फिर वो भी खुद भी थ्री थ्री कर देंगे, तो आपका प्राइवेट मैसेज आएगा उनको तो मेरे को पता चल गया कि हाँ मेरे बच्चे को समझ में आ गया। सो 2 पे कितना पावर रेज करें कि 64 आ जाए, 2
पावर 6 64। 2 पे कितना रेज करें कि 8 आ जाए, 3। आंसर कितना है? सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर है? सर अपन वहां पे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते ना, 864 8। डिवाइड कर सकते बेटा, डायरेक्ट पे आंसर आ जाएगा ये तो, क्योंकि आपको पता है, इसके वजह से मैंने किया। ये तो पता है आपको कि सर 64 और ये जो है ये इसमें 8 से ही आता, तो आंसर 3 है। ये आपको पता है, इसके वजह से मैंने किया है कि आप डिवाइड करो या ऐसे एक्सपैंड करके करो, आपको आंसर पता है। बट जब दूसरे एग्जाम्पल्स आएंगे तब ये हेल्पफुल रहेगा। बस ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। कुछ माइक लग रहा है, बोर्ड नहीं लगा। ओके, नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी लॉग ए, ये एम की पावर एन है। एम पावर एन, दिस कैन बी रिटन एज एन लॉग ए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? अगर m की पावर n है तो उसको अपन सिंपली n log n टाइम्स log m into a कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अगर दे दे कोई log, let's say this is 3 and this is 3 की पावर 4, तो इसका तो आंसर आपको पता है, तो सर 4 आता। बट अगर इस मेथड से जाऊं तो ये 4 नीचे आ जाएगा, दिस इज लॉग 3 बेस 3। 3 पे कितना रेज करूं कि 3 आ जाए, 1, तो आंसर 4। वैसे भी आंसर आता 4, और इस एक्सपेंशन के प्रॉपर्टी के हेल्प से भी आंसर सेम आता। कॉपी डाउन कर लीजिए। यहाँ तक आ गया सबको? ओके, तो जरा ये सॉल्व करके बताइए फाइनल आंसर कितना आएगा इसका। लॉग 5, लॉग 50 बेस 5 माइनस लॉग 10 बेस 5। इसको सिंप्लीफाई करिए, कौन सा रूल लगेगा? इसको सिंप्लीफाई करना है आप। आ गया फाइनल आंसर कितना है? ओके, खुशी, तन्मय, आशुतोष, दिव्यांग, अर्जुन, सिद्धांत। ओके, फाइनली सिंप्लीफाई होके आ जाता ये सर डिफरेंस है, तो सर इसको है ना प्रॉपर्टी 2 यूज करके 50/10 कर सकते हैं। अच्छा, 50/10 की वैल्यू कितनी होती? 5 होती। तो 5 पे क्या रेस करूंगी? 5 आ जाएगा, आंसर इज आ गया। अच्छा, समझ में आया बेटा?
आंसर ठीक है, कुछ और एक दो सवाल और कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉ इसका आंसर होते हैं। सर वो लास्ट वाला लॉग के पहले क्या है? माइनस है, ये माइनस। देखिए log 81 base 3 log 2 की पावर 8 base 2, फिर ये है log 3 into 2 base 3 minus log 2 base 3। फाइनल आंसर किसी बच्चे से पूछ सकते हैं अपन। ओके आशुतोष का आ गया, फिर विनीत, मनन, ये पिछली क्लास मैंने पढ़ाया था तो उसके बिहाफ पे है ये, जो छोटे बच्चे हैं उनको कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ में आ जाएगा आपको। अरे सॉल्व करो, सॉल्व करके है ना, जो भी आपका सॉल्यूशन आया है उसका फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप भेजो। ये आपने स्टेप वाइज सॉल्व किया होगा तो उसका फोटो खींचो और मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो। नंबर तो दे दिया था कल मैंने। नंबर दिया था ना, कईयों के आंसर आ गए हैं, बाकी जनता आ गया। ओके तन्मय विनीत, चलिए देखिए फर्स्ट सोहम बताओ बेटा इसका आंसर कितना आएगा फर्स्ट टर्म का? फोर। फोर। तो मैं थ्री पे क्या रिलीज करूं कि 81 आ जाए, थ्री की पावर फोर। अच्छा इस पे कितना आएगा? एट।
एट आ गया। इसको क्या कर सकते हैं बेटा, ये माइनस में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग थ्री, थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि ये माइनस में तो डिवीजन में आ गया, टू टू कट गया, यहां से क्या बचा, दिस इज लॉग थ्री डी थ्री, फिर बारह प्लस इसका वैल्यू कितना होगा एक, आंसर कितना आया 13, आंसर आया 13। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? ओके, सो लॉग इतना ही मैथ्स में जब आएगा, जब मैथ्स में आएगा तब आपको सर ज्यादा पढ़ा देंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रब कर रहा हूं, जिसका ये नहीं हुआ है वो पूछ सकता है, कुछ डाउट है तो इस पार्ट में कोई शायद नहीं समझ में आया। थ्री पे क्या रेस करूं कि 81 हो जाए, थ्री पे फोर रेस करूं तो 81 आ जाए, टू पे क्या रेस करूं, टू की पावर एट हो जाए, एट हो, थ्री पे क्या रेस करूं, तो ये तो प्रॉपर्टी यूज कर। ठीक है बच्चों, मिटा रहा हूं। अब नेक्स्ट डालिए हेडिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। नाइन्थ टेंथ में आपने पढ़ा होगा, कितने लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है, मैसेज करो। पढ़ रखा है? ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला। नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां पे देख लो। देखो बेटा, अगर ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स है मेरे पास में ए और बी, मुझे इन दोनों की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो डिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं सर? एक तो स्केल से कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर छोटी डिस्टेंस और अपने पास उतना बड़ा स्केल है तो अपन डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड होता है, वो क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता है, लेट से ए का कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन, बी का कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू। सर एक्स वन एक्स टू क्या होता है, जैसे आपके पास में ये है ना, ये तो पड़ा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये ओरिजिन होता है 0,0, ये 1,0, ऐसे ही कोई पॉइंट है उसका ये फर्स्ट टर्म एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, सेकेंड वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। तो इसका ए का एक्स वन है और वाई वन है, बी का एक्स टू है और वाई टू है। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी होता है, फॉर्मूला होता है रूट अंडर दिस माइनस दिस, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। क्या ये चीज समझी? ये तो हो गया 2D में दिया हुआ है। अगर 3D डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लीजिए A का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1 और B पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2 कॉमा z2, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हो जाएगा, बस ये z एक्स्ट्रा आ गया, सो दिस वुड बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये बात समझी? अगर सिर्फ x और y में दिया हो तो ये कर लेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर, दूसरे वाले प्लस करके y कोऑर्डिनेट 2 माइनस y कोऑर्डिनेट 1 उसका ओवरऑल का स्क्वायर और फिर रूट अंडर। 3D में दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे।
कल होमवर्क कर लिया था सभी ने, है ना? इसको मिटा देते हैं बच्चों। हो गया क्या? हो गया तो डन लिखो, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं। ओके ओके, तो आपको बताना है फाइंड Distance between point P, between P and Q, if the coordinates of P are 2, 3 and coordinates of Q are 5, 4. बताओ जरा distance formula लगा के इसमें distance कितना आएगा वो बताना। अगर ये हो गया तो अगर कोई ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मेरे पास में दिया हुआ है 1, 3, -4 और बी का कोऑर्डिनेट कुछ है 2, 3, -6 फाइंड डिस्टेंस ए बी। आ गया पहला वाला? दूसरा वाला निकालो। तन्मय, विनीत, मनन, कोमल, खुशी, हर्षिल, दिव्यांग, भूमि। भूमि फॉर्मूला निकालगी, लगा तो आ जाएगा। श्रुति, फॉर्मूला लगाओ। कौन बताएगा डिस्टेंस पी क्यू का फॉर्मूला? दिव्यांग बता बेटा, क्या फॉर्मूला होता था? सर 5 माइनस 2 रूट 5 माइनस 2 फिर उसका होल ब्रैकेट स्क्वायर, होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे? प्लस 4 माइनस 3 उसका का स्क्वायर, स्क्वायर। तो 5 माइनस 2 कितना बेटा? 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 3 का 1, 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आया? 9 प्लस 1 फर्स्ट का आंसर है √10। कई बच्चों का आ गया, शाबाश, ठीक है ना, सबका आ गया। सेकंड वाला करो, सेकंड का कौन बताएगा? सिद्धांत बता बेटा। सिद्धांत? यस सर। हाँ बता बेटा, क्या लिखे रूट अंडर? सर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 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 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर
माइनस ऑफ माइनस टू होल स्क्वायर, ध्यान से, माइनस छ माइनस ऑफ माइनस चार का होल स्क्वायर। देखो यहां समस्या है, माइनस सिक्स माइनस ऑफ माइनस फोर, माइनस ऑफ माइनस फोर प्लस फोर, तो जरा ध्यान से देखेंगे, दो माइनस एक एक, तीन माइनस तीन जीरो, फिर ये माइनस सिक्स, ये कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस सिक्स माइनस माइनस फोर, दिस इज माइनस सिक्स प्लस फोर, दिस इज माइनस टू। अच्छा माइनस टू का होल स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव ही आएगा, ये ए प्लस चार, दिस इज रूट फाइव। आगे क्या, यस सर, तब का आया रूट टेन एंड रूट फाइव। ओके बच्चों, अब थोड़ा सा अच्छा सवाल पॉइंट है, थर्ड है, इफ एन जो पॉइंट है वो है टू कॉमा ए एंड एन इज टू कॉमा इलेवन, फाइंड वैल्यू ऑफ ए सच दैट डिस्टेंस एम एन इज 15। ये हो गया यहां तक, सभी को चमक भी गया था, अर्जुन क्या कर दिए, अभी सही है क्या? हाँ सर सही है, तो जोश में रहा करो, एकदम खा पी के ठीक है बैठा करो क्लास में, कल फिर मंडे से चेंज हो जाएंगे आपके टाइमिंग्स। हाँ बेटा बोलो बेटा, किसी को जाओ, अगर सर बोर्ड थोड़ा ब्लर हो, बोर्ड ब्लर हो रहा बेटा? यस सर, मेरा तो यार वाईफाई है, काफी बेटर रहेगा। देखो वाईफाई लगा है और अपना स्पीड तो बहुत ज्यादा है, आप अपने एंड से देखो, कभी कभार क्या होता है जैसे मैं अगर मोशन कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, तब थोड़ा सा पिक्सल्स चेंज होता है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो बोर्ड बहुत क्लियर दिखता है। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे फोन में है ना, ये वाला जो मेरे हाथ में फोन है, इसमें भी सेम है, वीडियो मेरे में चल रहा है, तो मुझे क्लियरिटी दिखती रहती है कि क्लियर है कि नहीं, और ये वाला मैंने नेट से लगा रखा है, मतलब फोन के डेटा से लगा रखा है, तो अगर आपको कुछ दिक्कत रहेगा, अगर आपको दिक्कत रहेगा तो मेरे को पता चल जाता है, इसमें आपके मैसेज वैसे मैं इसी से रीड करता हूँ, आप है ना वापिस रिजॉइन कर लीजिएगा, अगर बाई चांस आपका क्लियर नहीं दिख रहा है, और प्लीज अगर आपके घर पे एक दो बैकअप में फोन्स पे है ना डेटा रखा करो, आप तो पूरा जेल चुके एक साल, ठीक है, बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता है, अगर आप नेट पैक भी लगाते हो, इंटरनेट भी लगाते हो, ठीक है, वो जियो वाला जियो स्टिक आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दैट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर बेटर एजुकेशन, नेट अच्छा होना चाहिए। कभी कभार मैं मानता हूँ कभी कभार ब्लर होता है, बिकॉज मैं मोशन कर रहा होता हूँ। तो आगे के सबका ए का वैल्यू, अपने पास एक ऑप्शन और भी है, वी कैन गो फॉर टैबलेट ऑल्सो, मेरे पास टैबलेट है, मैं टैबलेट पे भी लेक्चर लेता हूँ, तो उसमें डेटा बहुत कम जाता है, बट वही है फिर फेस टू फेस देख नहीं पाएंगे। तो ए की वैल्यू कितने बच्चों को आ गई, खुशी ने किया, आशुतोष ने किया, तन्मय ने किया, हर्षिल ने किया, दिव्या, खुशी सिर्फ एक ही आता क्या, आशुतोष का सही है, दिव्यांग का भी सही है, एक सॉल्यूशन होगा कि दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा कि दो सॉल्यूशन, मैसेज बताओ, दो होते हैं, देखो MN is root under 2
minus 2 whole square a minus 11 whole square. This is 15. अगर ये 15 है, ये 0, ये a minus 11 का whole square. बात समझो अभी. देखो अगर इस केस में देखो बेटा, ये स्क्वायर भी हो रहा है, रूट भी हो रहा है, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनिए. a माइनस 11 इस 15 करोगे तो आपको आएगा 26, ठीक है सर. a की वैल्यू 26, 26 माइनस 11 कर दीजिए तो 15 आ जाएगा. ये तो सही है, बट इसमें कुछ और भी है. वो क्या है, a माइनस 11 कैन ऑल्सो बी इक्वल टू माइनस 50. बेटा देखो देखो ध्यान से सुनना, अगर a माइनस 11 जो है वो 15 हुआ या a माइनस 11 माइनस 15 हुआ, आंसर सेम आएगा. देखो माइनस 15 है, माइनस 15 का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर रूट लोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा. तो ये दो रूट्स है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, यहां से माइनस प्लस माइनस, दो आंसर आते हैं. कितने आंसर आते हैं, दो आंसर आते हैं. ये क्लियर है सबको? अरे 26 भी होगा, माइनस 4 भी होगा. देखो माइनस 4 माइनस 11 माइनस 15, माइनस 15 का स्क्वायर करिए पॉजिटिव क्वांटिटी, फिर नोट लीजिए आंसर सेम है, ठीक है. प्लीज करेक्ट कर लो जिस बच्चे ने गलत हुआ है. वेरी गुड, माइनस 4 भी कई बच्चों का आया, कई बच्चों का 26 भी आया. क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है क्या साक्षी भंडा मनान? अच्छा इसमें जो फोन में जुड़े हुए हैं उनमें कितनों के उनके मम्मीज के नाम है, मतलब मम्मियों के नाम इनकेस, क्योंकि देखो मैं वही नाम लूंगा जो यहाँ पे लिखा रहेगा. किसी का मम्मी का नाम नहीं है ना? खत्म करें, ठीक है ओके. देन विल गो फॉर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. हो सकता है उसके ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले पढ़ रखी हो, नहीं पढ़ रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स में भी इन डेप्थ आपको पढ़ाई जाएगी. मैथ्स में अलग से 3-4 चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है. क्या होता है वो सब आपने पहले से पढ़ रखा होगा, मैंने वैल्यूज रिवाइज करने भी बोला था. सो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, दिस इज ए बी सी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस साइड इज ए. तो इस ट्रायंगल में शुभम साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा कैसे डिफाइंड है? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस. क्या क्या उनका रेशियो सर? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस. अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, तो अपोजिट साइड ऑन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड इज ए, हाइपोटेन्यूस, ठीक है. दिस इज साइन थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी साक्षी? तो मतलब और कोई नहीं बताएगा, साक्षी पे साक्षी माइक ऑन करो. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, तो एडजेसेंट की वैल्यू कितनी होगी? बी सी बाय बी, सी बाय बी. टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? अपोजिट
नहीं रुको, नाम बताओ, नाम हर्षित, टेंथ में क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू ए बाय सी. एडजेसेंट तो अपोजिट इज ए, एडजेसेंट इज सी. तो टेन थीटा साइन थीटा ये सब अपन ने डिफाइन कर दिया. अच्छा किसने ये पढ़ाएगा कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा कौन बताएगा? अमीश, कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ बेसिकली ये क्या है? हाइपोटेनस अपॉन opposite side. What is this? This is hypotenuse upon adjacent. What is this? This is adjacent upon opposite. ठीक है, ये सबने लिख लिया, पहले से कर रखा है. अगर बाई चांस कभी किसी बच्चे को कुछ नहीं आया तो पीछे से रिफर कर सकता है हमेशा. आपने पढ़ रखा है पहले से, मैंने आपको कल होमवर्क भी बोला था. छाप लिया है तो डन लिख दो, ये आपके नोट्स में होना चाहिए. कभी भी आपको सेंटर पे बुलाया जा सकता है नोट्स चेक करने के लिए. उतार लो फटाफट. हो गया शुभम? यस सर. अच्छा ये वैल्यूज आपको रखनी है, पहले भी कल भी मैंने बताई तो थी. जैसे साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ठीक है, आपने कल होमवर्क भी लिखा है इसको कई बार. तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 हाफ, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1. और कॉस थीटा का क्या हो जाता है? जो भी ऑर्डर है उसके अपोजिट ऐसे, फिर हाफ, फिर 0. टेन थीटा का 0, 1/√3, 1/√3, ये क्या होगा? नॉट डिफरेंट. ठीक है, ये आपको बुक में लिख लेना है, कल भी लिखाया गया था, कल मैंने बताया था ये. अच्छा आप देखो साइन की वैल्यू तो 0 से 1 तक बढ़ती, कॉस की 1 से स्टार्ट होती है और 0 तक जाएगी एंगल बढ़ाओगे तो. टेन की 0 से स्टार्ट होती 1/√3, 1/√3, ये √3 है, ये नॉट डिफाइंड, इसको कई बार इंफिनिटी में होता है. ठीक है, इंफिनिटी हो जाएगा. तो ये वैल्यूज आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, कभी भी पूछी जा सकती है. और ये वैल्यू याद है तो ही आपकी वैल्यू समझ आ पाएंगी, क्योंकि आगे मैं आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स एंगल्स लेना सिखाऊंगा. ठीक है, अच्छा इसके अपोजिट में कोसाइन थीटा, ये सब की वैल्यू देखो. कोसाइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी और कॉट थीटा की वैल्यू, ये भी लिख लो. ये तो इसका उल्टा होता है, तो इन सब की वैल्यूज लिखो. कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा, इसका इनवर्स कर दो. दिस इज इनफिनिट, दिस इज 2/√2, 2/√2,
root 3, this is 1. ये एकदम उल्टा है, 2/3, ठीक है, ये 2, this is 2. अब इसका ये रिवर्स हो जाए, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको रटी रहेंगी। कभी भी किसी भी समय आपसे ये वैल्यूज पूछ ले तो ऐसा नहीं है सर याद ही नहीं, सोच रहे हो, ठीक है, सर बुझा रहे हो, हे भगवान याद आ जाए याद आ जाए, नहीं, ये वैल्यूज हर हाल में याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज याद नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। एंड मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, जिस बच्चे को ये सब नहीं आता मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में हवा भी नहीं लगी। अच्छा ये एंगल्स को क्या बोलते हैं, 45, 60, ये ऊपर ये बिंदिया क्यों लगाते हैं? अरे गोला टाइप बना दे छोटा सा, हाँ तन्मय क्यों करते बेटा? सर वो डिग्री है, थीटा एंगल, डिग्री थीटा, ठीक है, वो मेजरमेंट का एक वैल्यू होता है 30 डिग्री 60 डिग्री। अच्छा क्लास में स्कूल में ऐसे प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर लिया है क्या आपने, बनाया हो ऐसा प्रोटेक्टर या इसको ऐसे डी करके कुछ होता था, वो बढ़िया से कंपोज आते थे स्टील वाले, तो उन सब में मिलता है, ठीक है, और उसमें ऐसे जीरो मार्किंग होती है, फिर 30, 60 या 90 या 180। कितने लोगों के पास प्रोटेक्टर था और ऐसे शेप में बनाए? तो वही एंगल जो मेजर करने का तरीका रहता है, दैट इज डिग्री, इट्स अ यूनिट। जैसे आप किसी भी शॉप पे गए, ठीक है, सब्जी वाले के पास गए, तो आप क्या बोलोगे, लाओ भैया 30 डिग्री आलू दे, तो वो एकदम हकल के भगा देगा, उसको बोलना पड़ेगा आधा किलो आलू दो, 1 किलो आलू। तो वैसे ही आप एक दर्जन एंगल नहीं बोलते, ये मैं यूनिट है, ठीक है, जैसे पानी को लीटर्स में मेजर कर रहे हैं, तो वैसे इट्स अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, ये सबको ये रटी हुई है? ओके यस सर। तो चलो भाई अर्जुन माइक ऑन करो। यस अर्जुन माइक ऑन करो बेटा। हाँ सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 30 डिग्री? अर्जुन यस सर। cot 30 डिग्री रूट 3। रूट 3 ओके। आशुतोष माइक ऑन करो। यस सर। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। cos 60 डिग्री रूट 1/2। 1/2 ओके। साइन 45 डिग्री 1/√2। 1/√2 ओके। कोसेक 60 डिग्री 2/√3। 2/√3 ठीक है बेटा। आपको सभी को ये वैल्यूज रटी रहनी चाहिए। मैं एक एक्स्ट्रा वैल्यू और दे देता हूँ। अच्छा पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है किसी को? आशुतोष क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब 3 नंबर रहते हैं, उसमें 1 नंबर का स्क्वायर दूसरे 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। वेरी गुड शाबाश। तो ये देखो एक साइड है 3, एक साइड है 4, एक साइड है 3, एक साइड है 4, 90 डिग्री है, ये साइड कितना होगा? कम ऑन टेक्स्ट करो। ये 3, ये 4, ये साइड कितना होगा? टेक्स्ट करो फटाफट फटाफट। ये
हे भगवान, 25 कहां से आ गया सिद्धू? ये पांच होता, 3 4 5 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 4 5 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, ये 90 डिग्री। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये एंगल होता 53, ये एंगल 53 डिग्री होता है इस ट्रायंगल में, ये एंगल 53, ये एंगल कितना हो जाएगा सिद्धू बताओ? सिद्धांत, ये 53, ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है, एक एंगल अगर लेट्स से दिस इज ए बी सी, दिस एंगल इज 53, व्हाट इज दिस एंगल? कहा गया सिद्धू? सिद्धांत, यस सर, कितना हो रहा है? थर्टी सेवन डिग्री। तो इसमें बात समझेगा, देखा जरा, व्हाट इज, ये हमेशा याद रखना है, बहुत फेवरेट है पूरे आपके इंजीनियरिंग में, पूरे या जेई में, नीट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो आई हैव 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, सो साइन 53 की वैल्यू कितनी होगी एंड कॉस 53 की वैल्यू? इस ट्रायंगल से साइन 53, साइन मतलब सर अपोजिट, बाय हाइपोटेनस, अपोजिट है सर 4, हाइपोटेनस है 5, सर कॉस में एडजस्टेड 3, फिर ये तो इसको आप रट लेंगे, इसको आप रट लेंगे कि साइन 53 4/5 होता है एंड कॉस 53 3/5। अच्छा फिर साइन 37 कितना हो गया? देखो जरा, साइन 37, ये 37 है राइट एंगल ट्रायंगल, अपोजिट 3, हाइपोटेनस 5, दिस इज 3/5, कॉस cos 37 is 4/5, ठीक है। अच्छा कोई बोले sin 30, sorry 10/37 होता है, 10/37 मतलब this by this, this is 3/5। कोई बोले आपसे 10/53 होता है, और बोले 4/3। ये सारे के सारे वैल्यूज आपको याद रखनी है, सिर्फ एक वैल्यू याद रखना, sin 37, साइन 37 3/5 होता है, तो साइन 53 कितना हो जाएगा 4/5। अगर साइन 37 3/5 है तो कॉस 37 कितना हो जाएगा? उसके उल्टा 4/5। अगर कॉस 37 4/5 है तो कॉस 53 क्या होगा? 3/5। एक वैल्यू याद रखो, बाकी सारी की सारी पांच वैल्यू याद हो जाएंगी। साइन 37 डिग्री इज 3/5, साइन 37 डिग्री इज 3/5, इसको एकदम याद कर लो, घोट लो। देखो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना उसके विषय में डॉक्टर लिख देता हूं, डॉक्टर क्यों लिखते हैं डॉक्टर? कभी किसी डॉक्टर के पास जाओ, सवाल पूछता हो, पेट दर्द कर रहा है, भूख लग रही है, उल्टी तो नहीं आ रही, आप लक्षण बताओ, फिर तुरंत उसे याद हो जाता ये दवाई देंगे आपको, ले लो पैरासिटामोल ले लो, ये लाल कलर की गोली ले लो, ये पीले कलर की गोली ले लो। तो वैसे ही आपसे सवाल दिया जाएगा, ट्रायंगल है, एंगल इतना है, बताओ वैल्यू कितनी होगी, तो आप डॉक्टर की तरह याद कर लोगे, अच्छा पेट खराब है, जुकाम लग रहा, ये पर्टिकुलर पीली दवाई, ये नाम होते हैं, कलर से कलर कोड नहीं होता, नाम होते हैं। तो वैसे ही Be like a doctor and remember it well. मान लो डॉक्टर ने गलत दवाई दी थी, फिर क्या करोगे? या तो एक तो हो सकता है आप गलत दवाई दे दी, ज्यादा लक्षण हो गए तो पिटाई करके आ जाए, दूसरा होगा उस डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएंगे। तो सेम, अगर आपने
फॉर्मूला याद नहीं किया, गलत फॉर्मूला लगा दिया, तो आपकी पिटाई होगी। पिटाई इन द सेंस नेगेटिव ऑफ नंबर आ जाए। ओके, यहां तक हो गया? हो गया तो डाउन लिख दो। सर ये सिर्फ ये दो डिग्री के लिए ना, 37 और 53 के लिए। हाँ, 37 और 53। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा आपको 37 मेजॉरिटी केसेस में ये मिलेगा। यहाँ ये बहुत बढ़िया डिग्री की वैल्यू है। हाँ, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से होती क्या? मतलब बाकी जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हाँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जरूरी नहीं है। अभी जैसे ये लगा, ये कितना है, 53 लेते हैं, 53 ये कितना था, 3 था, 4 था, 5, तो यही एंगल है। अभी इसको कुछ अलग कर दो, दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 10, रेशियो तो सेम ही आएगा। इस वाले ट्रायंगल में भी सेम ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने। ये मतलब कौन सी ट्रिपलेट, ये 3, 4, 5 वाली, 3, 4, 5। तो नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6, 8, 10 और मल्टीप्लाई कर दो, तो 12, 16, 20। तो ये सब में ये रेशियो, और कोई ट्रिपलेट नहीं चलती ना? नहीं नहीं बाकी सारे एंगल्स नहीं याद करती, सिर्फ 37, 37, 53 और जगह पे वैलिड नहीं होती। ओके सर, यहाँ पे ये रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ओके, सो आपने एंगल्स तो कर ही रखा है। एंगल्स जैसा भी जैसा मैंने डिस्कस किया कि आपके पास में एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टर होता था, प्रोटेक्टर से ऐसे कोई रे ऐसा कुछ बनाना होता था ना, ड्रॉ एन एंगल ऑफ दिस मच। अच्छा, उसके अलावा आपके पास में डी के अलावा एक वो भी होता था, उसको क्या बोलते हैं, देखो ऐसे दो पॉइंट रहता है, एक पॉइंटेड पार्ट होता, इसमें पेंसिल डाल के आप ऐसे डिवाइडर, क्या बोलते थे उसको, डिवाइडर। तो उसमें भी क्या कर रहे हैं, उसमें बेसिकली प्लीज माइक बंद रखे, माइक बंद रखे। सो जो एंगल का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, ये एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, ये इसका सेंटर, फिक्स पॉइंट सेंटर, ये इसका रेडियस आर, ये इसका रेडियस आर। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इधर पेरीमीटर कितना हो, इसका पेरीमीटर कितना हो? 2πr। 2πr। ओके, रेडियस कितना है, आर। व्हाट इज द रेशियो, रेशियो ऑफ पेरीमीटर बाय रेडियस, ये क्या रेशियो, इसके वैल्यू कितनी है, पेरीमीटर 2πr बाय r, व्हाट इज दिस 2πr, दिस इज एंगल, व्हाट इज दिस, दिस इज एंगल। आप पूरा घूम गए, पूरा घूम गए और वो रेडियस से डिवाइड कर दो, रेडियस से डिवाइड करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, एंड दैट इज 2πr। या अगर मैं इसको डायमीटर से डिवाइड करता हूं तो हमेशा जो पाई की वैल्यू निकली थी वो कैसे निकली थी, कि अगर आप सर्कल का पेरीमीटर लो और उसको डिवाइड कर लो उसके डायमीटर से, यहाँ तो मैंने रेडियस किया, डायमीटर 2 times होगा, तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं पाई। नाउ व्हाट इज दिस पाई, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेजरमेंट, दिस इज एन एंगल, ठीक है, ये रेडियन एक अलग चीज है, उसको अभी मैं जस्ट बताता हूँ। अच्छा, अगर आप यहां से ऐसे घूमे तो ये कितना एंगल घूम गए, आप यहां थे, आप ऐसे घूमे, ऐसा आए, फिर वापस यहीं पे आ गए, कितना एंगल घूमे, जरा टेक्स्ट करो बेटा, माइक मत ऑन करो, माइक मत ऑन करो, टेक्स्ट करो, मेरे को सबका पता चलेगा ना, कितों कितना पता चल रहा। अगर ये पॉइंट है और इसे ऐसे घूम के वापस आ गए तो कितना एंगल, 360। ओके, तो ध्यान से सुनना, ये आपने पहले भी कर रखा है, ये एंगल थीटा,
this is the arc length, s, and this is a constant distance r. Then angle theta is defined by arc length by radius. कैसे डिफाइन है? आर्क लेंथ बाय रेडियस. आर्क लेंथ इज एस, रेडियस इज आर, तो थीटा इज एस बाय आर. थीटा इज एस बाय आर. अच्छा, वन कंप्लीट रोटेशन पे, मतलब एक पूरा गोल चक्कर पे, आप बोलते हो सर वो 360 डिग्री होता. अच्छा, अब यहां से अगर मैंने पूरा गोल चक्कर लिया, एंगल फॉर फुल सर्कल या एक फुल फॉर वन कंप्लीट रोटेशन या फुल सर्कल एक ही होता है, तो उस केस में एंगल कितना हो जाएगा? आर्क लेंथ कितनी हुई है? ये पूरे पार्ट की आर्क लेंथ कितनी हुई? 2 बाई आर. रेडियस कितना है? आर कितना वैल्यू हुआ? 2 पाई. सर एंगल जब आप पूरा एक सर्कल घूम जाते हो तो डिग्री में 360 डिग्री होता है, और ये एंगल का जो डेफिनेशन है उसके बिहाफ पे उसकी वैल्यू 2 पाई होती है. नहीं सबका कुछ समस्या आ रही है? देखो अगर मैं पूरा चल जाऊं तो ये तो 360 है. एक ऐसा डेफिनेशन है एंगल का. कितने लोगों को ये एंगल का डेफिनेशन पता है? Yes, no, बोलो. ये एंगल का डेफिनेशन कितने लोगों को पता है? एंगल इज आर्क लेंथ बाय रेडियस. कितनों को नहीं पता ये? आर्क लेंथ बाय रेडियस इज द एंगल. नहीं पता? ठीक है, लिख लो. नहीं पता तो वह लिख लो. Arc length by radius is the angle theta. देखो एक नई वैल्यू पता चलता. आप वैसे थोड़े मतलब मैथ्स में भी करोगे ये सब. मैं एंगल को दो चीजों से मेजर कर सकता, एक होता है डिग्री और एक दूसरा यूनिट होता है जिसको बोलते हैं रेडियन. हो गया? देखो मैंने एक सिंपल सी चीज बताई, एंगल को मेजर करने का दो तरीका होता है. एक तो डिग्री जो कि आप बचपन से जानते हो, और एक नया यूनिट है इसको बोलते हैं रेडियन. ये क्या है? रेडियन. व्हाट इज रेडियन? रेडियन इज सिंपली द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ बाय रेडियस. आर्क लेंथ बाय रेडियस यही रेशियो है. नहीं पता तो ये आपको अभी बता दिया गया है. कोई भी एंगल होता है, दैट एंगल इज कितना, ये पार्ट इसका लें, कांस्टेंट जो डिस्टेंस है उसका लें, सो डिवाइड कर दीजिए, आपको एंगल आ जाएगा. अब देखिए डिग्री क्या है? यूनिट ऑफ, दीज आर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. जैसे वजन को नापना है 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो. सिमिलरली अगर प्रोडक्ट्स को नापना है, मतलब जैसे अपन जैसे केले ले लेते हैं, ठीक है, एक दर्जन केले ले लिए, एक दर्जन नींबू ले लिए, ठीक है, जो एल्फेंसो आम आते हैं वो दर्जन में लेते हैं,
तो ये यूनिट्स है, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री। तो वैसे ही रेडियन भी एक यूनिट है एंगल को मेजर करने का। तो देखिए, इन वन कंप्लीट रोटेशन एंगल कितना आया, एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल कितना आया, 360 डिग्री। अच्छा, वन कंप्लीट रोटेशन या सर्कल में एंगल, ठीक है, बाय डेफिनेशन कितना आया, बाय डेफिनेशन कितना आता है रेशो के मेथड से, वो वैल्यू आती है 2π। यानी कि ये दोनों को मेजर करने का एक ही तरीका, मतलब ये दोनों क्वांटिटी सेम है, यानी कि 2π रेडियन इज सेम एज 360 डिग्री। अरे यहां तक क्लियर है क्या? Yes, ये क्लियर है क्या? जो 2π ये यूनिट है रेडियन, ठीक है, जो 50, 60, 45 जो कर रहे थे 360, वो है डिग्री। तो 360 डिग्री बराबर होता है 2π रेडियन के। जरा व्हाट्सएप करो, ये चीज क्लियर है? दो मेथड्स है, उनको मैंने इक्वेट करा दिया एंगल मेजर करने के, मापने के दो यूनिट्स हैं, उसको मैंने मेजर कर मतलब इक्वेट करवा दिया। अच्छा ये बताओ, टेम्परेचर जो होता है उसको कौन से डिग्री में मेजर करते हैं, मतलब टेम्परेचर मेजर करने की कोई स्केल है उसको किस में मेजर करते हैं, बताओ भाई मनन, टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? सेल्सियस। सेल्सियस में। अच्छा, जो घर पे कभी बुखार हो जाता तो मम्मी थर्मोमीटर या डॉक्टर थर्मोमीटर लगा के देखता, तो उसमें बोलते ना 101 का बुखार है, 102 का बुखार है, तो वो वाला यूनिट कौन सा होता है? फारेनहाइट। फारेनहाइट। तो ये तो नॉर्मल है कि जो आपकी गाड़ी जो है, गाड़ी में एसी लगा होगा या आपके घर में एसी लगा होगा, तो उसमें वो डिग्री देता कि अभी टेम्परेचर 15 डिग्री कर दिया अपन ने। तो टेम्परेचर मेजर करने का यूनिट एक तो डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फारेनहाइट। वैसे ही एक और यूनिट होता है केल्विन, जो आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। सो सेम वे में एंगल मेजर करने के दो यूनिट्स होते हैं, जिसके अंदर 2π बराबर है 360। बस दैट्स इट, हो गया तो डाल लीजिए, इसमें प्रॉब्लम्स करते हैं। हो गया तो डन कर दो, इसके प्रॉब्लम्स करते हैं। ये थोड़ा टफ है क्या? नहीं ना, इजी है। देखो इंजीनियरिंग में बहुत कम चीजें होंगी जो मतलब एक बारी में समझ में आ जाती है, बाकी तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको, समझने का ट्राई करना रहेगा। 9-10 जैसा नहीं है, बस हिस्ट्री पढ़ रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, आप लोगों के एग्जाम में 10 के बोर्ड में। ओके, सो जरा कैलकुलेशन देखना, 2π रेडियन इज 360 डिग्री, ऐसे डिग्री लिख दिया, ठीक है, अंडरस्टूड है। तो कोई बता सकता है क्या पाई रेडियन कितना डिग्री होगा? टेक्स्ट करो, 2π 360 है, तो पाई कितना होगा? टेक्स्ट करो, सभी का आ गया, π/2 रेडियन कितना होगा? π/4 रेडियन कितना होगा? π/3 कितना होगा? एक एक लाइन से आंसर करते जाओ, 1 का ये आया, 2 का ये आया, 3 का ये आया, एक एक मत करो, जो भी आप मैसेज करो
सर वन का उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं ना, एंटर दबा के चारों का एक साथ आंसर लो। पहले वाले में कितना आया, सेकंड का कितना आया, थर्ड का कितना आया, फोर्थ का कितना आया। ओके नंबरिंग करके, नंबरिंग करके ना, फर्स्ट का कितना, सेकंड का कितना, थर्ड का कितना। वेरी गुड अर्शिल क्या कर रहे हैं, अर्जुन कर रहा, अर्जुन नंबर लिखे करो बेटा, श्रुति कर रही, ऐसे वन टू थ्री, मेरे को सपना थोड़ी आएगा कौन सा आंसर किसका है। ओके वेरी गुड, अर्जुन ने किया लाइन से, दिव्यांग ने किया, सोहम ने किया, श्रुति ने किया, फर्स्ट फर्स्ट का आंसर रौनक बताएगा, रौनक कितना आंसर आएगा ये सर, 180 180 डिग्री, वेरी गुड। देखो 180 डिग्री लिख दो या इसको 180 और ऐसे एक बिंदिया बना दो, अंडरस्टूड है ना। और इसको है ना जनरली अपन रेडियंस को नहीं लिखते कुछ भी, रेडियंस जो है ना उसको ऐसे ही अपन नॉर्मल नंबर लिख देते। ओके नेक्स्ट हर्षित बता बेटा पाई बाई टू रेडियन कितना है, 720 कितना, 720 कैसे बेटा, डिंका चिका डिंका चिका पाई बाय टू 360 पाई की वैल्यू 180 पाई बाय टू की वैल्यू 180 बाय टू 90 डिग्री। भैया कहां तुम 720 पे पहुंच गए बेटा, 90 डिग्री है देखो, पाई 180 पाई बाय टू कितना हो 90 बाय 180 बाय टू 90 डिग्री। पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी हो गया अर्जुन, पहले 45 डिग्री कृष्ण अर्जुन, हाँ भाई अर्जुन बताओ 45 डिग्री 45 चलो 45 फिर मनन, मनन आंसर करो 60 डिग्री। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई मेरे को पता चल गया ना, पाई 180 होता है तो ये पाई बाई तीन मतलब 180 बाई तीन 60 डिग्री आएगा भाई साहब, बस इतनी सी चीज है। ओके अगर ये चीज आ गई तो आप मुझे कन्वर्ट इनटू रेडियंस, आपको रेडियंस में कन्वर्ट करके दिखाना है 135 डिग्री कितना रेडियन होगा, 120 डिग्री कितना रेडियन होगा, 220 डिग्री कितना रेडियन होगा। ठीक है जरा सॉल्व करो, सॉल्व करने हो जाएगा क्या, बताओ किसी को पता चल रहा कितना रेडियन होगा, अरे ये नहीं पता चल रहा किसी को भी, ये 135 डिग्री कितना रेडियन होगा, ऐसा तरीका देता हूं भाई जिसके मेजोरिटी बच्चों के सबके सही है, किसी का अगर गलत है तो प्लीज देख लो।
देखो एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, ध्यान से देखना। पाई इसका ना ऐसे सी करके कभी कभी लिख देते हैं, बट जनरली ओमिट कर देते हैं। पाई रेडियन इज 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज पाई बाय रूट ओके रेडियन। ठीक है, और 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 180 रेडियन है। अच्छा, सिमिलरली देखो 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 ध्यान से सुनना, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, 1 डिग्री मतलब पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर मेरे से कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 80 डिग्री, तो 80 डिग्री का मैं क्या करूंगा, 80 डिग्री इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा पाई रेडियन। अगर कोई मेरे से पूछे 360 डिग्री कितना होगा, तो मैं 360 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही सबको, थोड़ा टफ जा रहा क्या? देखो 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, इतना समझ आता है? 180 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री इंटू पाई बाय 180 कर दो तो पाई रेडियन। 360 डिग्री क्या होगा, 360 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, कट गया। अच्छा कोई बताओ 720 डिग्री कितना होगा, 7 वो तो बाद में करेंगे, 720 डिग्री कितना रेडियन होगा, खुशी माइक ऑन करो बेटा। सर 4 पाई। देखो 720 को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, तो ये 4 से जाएगा, आंसर आएगा 4 पाई। ओके अच्छा किसी ने मेरे को बोला 120 डिग्री बताओ, तो मैं क्या करूंगा, 120 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाय 180 से, कितने से, पाई बाय 180 से। तो ये देखो जरा कैलकुलेट करके देखो, ये 3 16 into 3 16 into 2, this is 2/3, this is 2/3 pi radian। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा कोई बोले 220 डिग्री कितना होता है, तो मैं 240 को क्या कर दूंगा pi by 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 this is 4/5। चमका ये, कोई बोले 135 कितना होता, तो 135 डिग्री को 135 इंटू पाई बाय 180 कर दो, आंसर निकाल लो क्या, अरे 135 डिग्री को पाई बाय 180 से डिवाइड मार दो, आंसर आ जाए, बताओ कोई कितना आएगा, ये 3/4 ये सबको क्लियर है? सब कुछ समझ में आ गया क्या? ओके मिटा दूं, डन, दोनों तीनों करा दिए। डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कैलकुलेट करके बताओ,
आठ दर्जन में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे? आठ दर्जन में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे? 96. अरे करना यार, बाकी सबको आंसर पता चल जाता, मेरे को पता नहीं चलेगा किसको आंसर नहीं आता। एक सेकेंड ना बच्चों, ठीक है, सो ये पार्ट तो यहाँ तक तो हो गया, सभी का आंसर आ गया। ओके यार, एंगल मेजर करते हो ना, एंगल जब मेजर करते हैं, मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस, अगर आप देखो आप यहां थे और आप ऐसे गए, तो ये बताओ ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? देखो यहां पे आपने प्रोटेक्टर रखा और ऐसा एंगल कोई खींचा, तो इसे एक्स एक्सिस से ऊपर, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज? देखो एक ये घड़ी, अपनी घड़ी में 12 फिर 6 बजते, तो घड़ी का जो हैंड है वो ऐसे घूमता, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर घड़ी के विपरीत कोई जाए तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज जा रहा कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा? ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा कि क्लॉकवाइज? सभी लोग मैसेज करो। सोहम, खुशी, अमेश, शुभम, बेटा बेटा सिंपल सी चीज है यार, घड़ी ऐसे जाता, ये हैंड जो है फिर इसके बाद इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ये ऐसे जाता, तो दिस इज क्लॉकवाइज, ऐसे 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 ऐसे। ये कैसे जा रहा, ये उल्टा जा रहा, तो दिस इज कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जनरली जनरली जब एंगल मेजर की जाती है, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा इज 30 डिग्री, सो वी जनरली गिव दिस वैल्यू एज पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव जो भी प्रोटेक्टर से करते थे, क्लॉकवाइज करते थे। मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड, इस बार आपकी इच्छा है नीचे, मैं नीचे की तरफ एंगल बना, तो ये एक्सिस है, ये थीटा है, ये एक्सिस है एंड दिस इज द थीटा, ये एक्सिस है, ये थीटा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इस यहां पे थीटा लिखेंगे -30। व्हाई? बिकॉज आप एक्स एक्सिस से नीचे गए, तो दिस इज क्लॉकवाइज। नहीं चमका? अगर एक्स एक्सिस से नीचे जाके देखो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, ये क्लॉकवाइज हो गया, तो इसको बोल दिया -30 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज को +30 डिग्री। ठीक है, ये ओनली फॉर एंगल्स मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट में, एंगल मेजरमेंट में एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। कहेंगे समग्र सर्वांना, ओ कि नहीं बेटा, एक्स ऊपर गए ऐसे गए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज म्हणजे पॉजिटिव, क्लॉकवाइज म्हणजे नेगेटिव, बस हो गया। इतना पार्ट तो सभी को आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है, देखो
आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे। अच्छा कल सैटरडे है, जो भी सबके पास में नंबर तो नहीं है, सो कल का जो लेक्चर होगा वो बीएसएम सर का लेक्चर होगा। अब मोस्टली आपका मैथ्स जो है सीक्वेंस सीरीज उससे अपन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें पूरा बकायदा आपका एपी जेपी एचपी ये सब चलेगा। ठीक है, आवाज आ रही है? तो नेक्स्ट क्लास में आपका सैटरडे को मैथ्स हो सकता है। ठीक है, आई विल सेंड यू द टाइम टेबल एंड देयर इज अनदर लिंक ऑन विच द लेक्चर्स विल बी कंडक्टेड। ठीक है, सो अभी आपका बैच स्टार्ट हो गया है। प्रोबेबली देखो जो भी आपके फ्रेंड्स है जो कि ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनका अपन 25th से एक दूसरा बैच स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि उनका भी कोई छूटे नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप फिलहाल आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। आज का समझ में आ गया? आज का अगर समझ में आ गया तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, कल वाला नंबर जो था उस पर व्हाट्सएप कर दो कि सर आज का लेक्चर पूरा क्लियर है। अगर आज का समझ में आ गया तो व्हाट्सएप कर दो सर आज का लेक्चर पूरा क्लियर है। ठीक बच्चों, ओके व्हाट्सएप कर दो आज का लेक्चर क्लियर है नहीं है, कुछ डाउट है तो भी अपन समस्या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। देखो मेरे को मनन का आ गया, अमीश का आ गया, अर्जुन का आ गया, सोहम, हर्षिल, आचल, सिद्धांत, विनीत, शुभम, ठीक है, दिव्याम, आशुतोष, सभी लोग व्हाट्सएप कर दें। ठीक है बच्चों, तो इसके रिगार्डिंग देखो आज का होमवर्क मैंने कल होमवर्क भी सेंड किया था, उसमें किसी को कुछ डाउट्स है तो वो भी बता देना मेरे को, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास होगा। कल सेम 11:30 पे ही क्लास होगा एंड आई वुड बी सेंडिंग यू द लिंक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ओके बाय बाय, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, होमवर्क सेंड हो जाएगा। बाय सर, बाय बाय।